रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, तो हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जो है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह करंट अफेयर्स रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कौन बने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष, केंद्र सरकार ने गुरुवार 31 अगस्त को जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष चुना है। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जया वर्मा सिन्हा, इन्हीं को केंद्र सरकार ने गुरुवार को 31 अगस्त जो दिन था उसी दिन में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो अभी हम लोग को ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जया वर्मा सिन्हा जो है वह रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष बन चुकी हैं। ये अपना पदभार 1 सितंबर 2023 से संभालेंगी, यानी कि ये जो है अपना पदभार है वह 1 सितंबर से संभालना शुरू कर देंगी। आगे देखते हैं, जया वर्मा सिन्हा पूर्व सीईओ और अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगे। तो ये जो है जया वर्मा सिन्हा, ये इनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे और सीईओ थे अनिल कुमार लाहौटी, इन्हीं का स्थान लेंगे। अब नए सीईओ के रूप में ये अपना पदभार को संभालेंगी और अपना जो है कार्य करेंगी। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि इनसे पूर्व जो थे वो थे अनिल कुमार लाहौटी। रेल मंत्रालय के 105 साल पुराने इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो जया वर्मा सिन्हा जो हैं वो रेल मंत्रालय के जो 105 साल का इतिहास है उसमें से यह जो है यानी कि अध्यक्ष और सीईओ पद है इसको संभालने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं। तो ये भी एक नया कीर्तिमान है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये पहली महिला बन गई हैं। यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। या जया वर्मा सिन्हा उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे में काम कर चुकी हैं। तो इनके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो है उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे में काम कर चुकी हैं। तो जया वर्मा सिन्हा जो है यह अभी नए सीईओ और अध्यक्ष चुने गए हैं रेल मंत्रालय में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह है कि 105 साल पुराने इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला भी बन गई हैं और ये पूर्व सीईओ और अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगे। तो यही है इसके बारे में जानकारी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, जिनमें जया वर्मा सिन्हा बनाई गई हैं।